First of all, what is the difference between boiling and evaporation? ये जो पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ क्लियर नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जाओ, वहां मैंने पीडीएफ डाला है इसका, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन का, वहां से आप पीडीएफ ले लो। ठीक है, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में क्या फर्क है? ठीक है ना, जैसे मान लो एक गिलास में पानी रखा है, तो वाटर के लिए वन एटमोस्फेयर प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? लेट्स से दिस इज वाटर। तो तुमने कंटिन्यूअसली देखा होगा कि यहां से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, यदि आप एक गिलास में पानी भर लो और इसको ढक दो, इसको ऐसे ढक दो, ठीक है, तो जब आप कवर थोड़ी देर बाद हटाओगे ये, तो आप देखोगे कवर के नीचे वाले हिस्से पे जिसको पलटोगे तो यहां पे कुछ ना कुछ लिक्विड का मॉलिक्यूल कंडेंस हुआ होगा। तो इवेपोरेशन इवेपोरेशन से यहाँ के लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, ठीक है, और जब ये यहां सरफेस पाते हैं तो इस सरफेस पे क्या हो जाते हैं? कंडेंस, ठीक है ना। तो ये दिखाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल इस इंटरफेस, ध्यान रहे ये कौन सा इंटरफेस है, लिक्विड वेपर इंटरफेस, फेस से ऊपर भाग रहे हैं, है ना, क्लियर है। क्लियर है यहां तक? ओके, तो कहने का मतलब ये आता है कि जो बॉइलिंग फिनोमिना है ये कहाँ पे होता है? पहली बात, जो इवेपोरेशन फिनोमिना है, इट टेक्स प्लेस, इवेपोरेशन को समझने के लिए दो चीजें समझना जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर विच इज लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है ना। फॉर वॉटर एट 1 ATM, वॉट इज सैचुरेशन टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। एंड आपका इवेपोरेशन किस टेम्परेचर पे हो रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इवेपोरेशन हमेशा सैचुरेशन टेम्परेचर से क्या होता है, नीचे। पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है उस समय भी आपका इवेपोरेशन हो रहा है, क्लियर है। क्लियर है यहां तक? ओके, इज दैट क्लियर? यस, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट पॉइंट इज दैट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर विच इज लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर। सेकंड, इट टेक्स प्लेस एट अ लिक्विड वेपर इंटरफेस। कहां पे होता है ये? लिक्विड वेपर इंटरफेस पे होता है ना। ये कहां पे इवेपोरेशन हो रहा है? देखो, ये लिक्विड वेपर इंटरफेस पे हो रहा है, ठीक है। तो दो चीजें आपको इवेपोरेशन के बारे में हमेशा याद रखनी है, वन दैट इट टेक्स प्लेस बिलो सैचुरेशन टेम्परेचर, सेकेंड इट टेक्स प्लेस एट द लिक्विड वेपर इंटरफेस। अभी अगर वहीं पे आप बात करो बॉइलिंग, बॉइलिंग जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल
इट टेक्स प्लेस एट अ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस. ठीक है ना, एंड इट टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर विच इज मोर देन इक्वल टू सैचुरेशन टेम्परेचर. ठीक है ना, कैसे बॉइलिंग होगा? लेट्स से वी हैव अ लिक्विड इन द कंटेनर. ओके, ये लिक्विड है कंटेनर में, मान लो वाटर है, और मैं एक सॉलिड रॉड लेके आऊं. लेट्स से दिस इज अ सॉलिड रॉड. ठीक है, जिसका टेम्परेचर इसका जो है दैट इज मोर देन सैचुरेशन टेम्परेचर. लेट्स से टेम्परेचर इज 104 डिग्री सेल्सियस. तो अगर मैं एक ऐसा सॉलिड लेके आऊं जिसका टेम्परेचर लिक्विड के सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा या उसके बराबर होगा, तो यहां से वेपर बनेंगे. ठीक है, इसके सरफेस पे, और ये वेपर ऊपर की तरफ मूव करेंगे. इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग. क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आज उसके लिए एक सेशन कर देते हैं. कल संडे है ना, कल करेंगे फिर. यस, क्लियर, ओके. ये क्लियर है, देखो सेम चीज. अच्छा, दूसरा, कभी कभी ये देखो ऐसे भी होता है बॉइलिंग. बॉइलिंग ऐसे भी होता है ना. मान लो एक ये तुम्हारा टैब है, कंटेनर है ना, इसमें वाटर है, और इसको इसको आप हीट करो, हीट दो यहां से. जब आप इसको हीट दोगे तो अगेन यू विल फाइंड लिक्विड टू बी बॉइलिंग एट दिस सरफेस. यहां पे लिक्विड वेपर बन रहा होगा, ये ऊपर जाएगा यहां से. ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस. अगेन कहां पे हो रहा है, इट इज हैपनिंग एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस. सॉलिड लिक्विड इंटरफेस. ठीक है, क्लियर है, ओके. बॉइलिंग और इवेपोरेशन का फर्क सबको क्लियर है? इंटरव्यू में सबसे पहले अगर बॉइलिंग से चालू करेगा तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. विकास बाबू एफएम प्लस पे चल रहा है. ठीक है ना, पहला चैप्टर खत्म होकर दूसरा चालू भी हो गया है. इट्स गोइंग ऑन. ठीक है, सेकेंड थिंग इज बॉइलिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. देखो, बॉइलिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं, टाइप ऑफ बॉइलिंग में. एक को बोलते हैं पूल बॉइलिंग. And then another type is boiling is flow boiling. ठीक है ना, what is pool boiling? अगर आप पता करोगे कि pool boiling क्या है, there is no bulk motion in the pool boiling. और जो bulk motion हो भी रहा है, it is only because of natural convection. For example, आपके पास एक pan है, ठीक है ना, और इसमें fluid है, तो ये fluid stationary है. ठीक है,
अगर आप हीट करोगे तो इसमें जो बल्क मोशन है कोई एक्सटर्नल एजेंसी तो क्रिएट कर नहीं रहा है. जब आप इसको हीट करोगे सो व्हाट विल हैपन इज दैट ये नीचे वाला गर्म होगा, गर्म होके ऊपर जाएगा और ठंडा इसकी जगह लेने के लिए नीचे आएगा. तो जो बल्क मोशन हो रहा है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन. देर इज नो एक्सटर्नल एजेंसी क्रिएटिंग द बल्क मोशन. ठीक है ना. सो पूल बॉइलिंग किसको बोलते हैं? एनी बल्क मोशन motion is because of natural convection. And no external agency creates समझ में आ गया. तो पैन में जो आप वाटर को गर्म कर रहे हो दैट इज पूल बॉइलिंग. ओके, मैं लिंक कभी उसमें शेयर किया था फिर से शेयर करूंगा. ठीक है. ओके, फ्लो बॉइलिंग क्या है? जैसे तो ये आपका हो गया पूल बॉइलिंग. फ्लो बॉइलिंग क्या है? जैसे पाइप में फ्लूइड फ्लो किया जा रहा है, पाइप में फ्लूइड फ्लो किया जा रहा है, और क्या है, इसका वॉल ज्यादा गर्म है और ये इसको हीट कर रहा है. ठीक है ना. वॉल इज हॉटर देन फ्लूइड, है ना. अब यहां जो बॉइलिंग होगा, फ्लूइड इज फोर्स टू मूव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, लेट से पंप. अब अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहां, बल्क मोशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी विच इज पंप. ठीक है ना. तो फ्लूइड इज फोर्स टू मूव. ओके, बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग बॉइलिंग इज क्रिएटेड बाई एक्सटर्नल एजेंसी. लाइक पंप. ठीक है ना. यहां बल्क मोशन क्रिएट किया जाता है. ठीक है, क्लियर है. ओके, सो आई होप कि पूल बॉइलिंग फ्लो बॉइलिंग का डिफरेंस क्लियर है. एवरीवन कमेंट में कमेंट कर रिप्लाई करके बताओ. वो तुम्हारा पूल बॉइलिंग में फिर नहीं आएगा. जो हम लोग कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें स्टीयरिंग नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी का कोई यूज नहीं है. ठीक है धीरज बाबू. अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉइलिंग इज नोन एज सैचुरेटेड बॉइलिंग और सब कूल्ड बॉइलिंग. ठीक है ना. सब कूल्ड बॉइलिंग और सैचुरेटेड बॉइलिंग. देखो केस वन में क्या होता है,
जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो ये जो सॉलिड सरफेस है इसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है. लेट्स से सरफेस टेम्परेचर टी इज 104 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस. यहां से बबल बनते हैं और ये हीट ट्रांसफर करता है. बट आप देखोगे पूरा जो बल्क ऑफ फ्लूइड है, पूरा बल्क फ्लूइड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में ऐसा ही होता है ना कि नीचे वाला फ्लूइड तो बॉयल कर रहा है लेकिन जो बल्क फ्लूइड है उसका टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस ही है, 80 डिग्री सेल्सियस ही है. तो जो बल्क ऑफ फ्लूइड है उसका टेम्परेचर यदि सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है सरफेस पे तो नो डाउट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, बट बल्क में अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सैचुरेशन से कम कुछ भी है, तो उसको बोलते हैं सब कूल्ड बॉइलिंग. इफ द टेम्परेचर ऑफ बल्क इज लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर ड्यूरिंग बॉइलिंग, दैट टाइप ऑफ बॉइलिंग इज नोन एज सब कूल्ड बॉइलिंग एंड इट टेक्स प्लेस इन द बिगिनिंग. जब शुरुआत करते हो आप बॉइल करने का, उसी समय ये चालू होता है. क्लियर है? सैचुरेटेड बॉइलिंग का क्या है, पूरे बल्क का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द बल्क ये जो बल्क है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर. कहीं भी आप देखोगे सैचुरेशन टेम्परेचर होगा पूरे बल्क का टेम्परेचर. सो टेम्परेचर ऑफ द बल्क इज S equal to saturation temperature during boiling. ठीक है, तो saturation boiling और subcooled boiling. ठीक है, क्लियर है? सब लोग कमेंट में रिप्लाई करो. तुम लोग ऐसा डल माहौल बना रखे हो ना, बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है. बताओ क्लियर है? ओके, अब हम लोग पूल बॉइलिंग डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, और उसमें भी डिफरेंट बॉइलिंग रिजम्स. डिफरेंट बॉइलिंग रिजम्स क्या क्या है, ठीक है, ओके. अब ध्यान से देखना कैसे मैं कर रहा हूं. मान लो मैंने एक सरफेस ले लिया, एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, ये फ्री सरफेस है, ये इसका बॉटम सरफेस को, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक वायर डाल दिया मैंने ऐसे. ये असली एक्सपेरिमेंट है.
या आप ये समझ लो कि बॉटम को ही आप हीट कर रहे हो, ऐसे समझ लो कि ये इसका है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा ये बॉटम को आप हीट कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जो असल में एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किसने किया था, एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक वायर रखा था ऐसे, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ये किसने किया था, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूछता है इंटरव्यू में। एस नुकियामा ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने हीटिंग एलिमेंट जो लिया था वो हीटिंग एलिमेंट ये था, और ये जो हीटिंग एलिमेंट है दैट वाज नाइक्रोम प्लैटिनम वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा एलिमेंट लिया था, नाइक्रोम प्लैटिनम वायर, ठीक है। अब अगर मैं इससे करंट पास कराऊं तो ये हीट जनरेट करेगा, अगर मैं इससे करंट पास कराऊं तो इससे ये हीट जनरेट करेगा, और मैं यहां क्या ले रहा हूं, 1 ATM पे व्हाट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर, एट 1 ATM व्हाट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो एट 1 ATM द सैचुरेशन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो टी इज अ टेम्परेचर ऑफ सरफेस, टी इज अ टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, है ना। तो मैं डेल्टा टी ले रहा हूं, टी माइनस सैचुरेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस टेम्परेचर, मतलब आपके सरफेस का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कितना ज्यादा। थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि लिक्विड बॉयल करना चालू कर देता है जब उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक्सेस टेम्परेचर है, मतलब वायर का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है। तो हम दो, एक तो ये जो पॉइंट है इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर मुझे पता है, वायर के सरफेस का टेम्परेचर मैं मेजर कर सकता हूं। दूसरा चीज मैं क्या मेजर करता हूं, हीट फ्लक्स, कितना हीट फ्लक्स आप वायर जनरेट करेगा, ये वायर कितना हीट फ्लक्स जनरेट करेगा, ये भी कैसे निकाल सकते हो, हीट फ्लक्स आप निकाल सकते हो, कितना एनर्जी जनरेट होगा, आई स्क्वायर आर, ये एनर्जी इसका जनरेट होगा, डिवाइड बाई आप इसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो, यू विल गेट हीट फ्लक्स जो ये वायर दे रहा है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो हमने एक कर्व बनाया, जिस कर्व में क्या था, अब देखो ये कर्व ध्यान से दिख रहा है, इसमें वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, वर्टिकल एक्सिस पे है फ्लक्स वॉट पर मीटर स्क्वायर, हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या है, एक्सेस टेम्परेचर, मतलब जो सरफेस टेम्परेचर है माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, और ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या है, ये 5 है, 5 डिग्री एक्सेस है, ये यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस एक्सेस है, ये 30 है ना, ये 120 है, और ये 1000 है। ये लिखा हुआ है टिपिकल बॉइलिंग कर्व फॉर वाटर एट 1 ATM। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। हॉरिजेंटल एक्सिस, इसको बॉइलिंग कर्व बोलते हैं, सारा खेल इसी का है, दिस इज नोन एज बॉइलिंग कर्व। ठीक है, इज दैट क्लियर। देखो बॉइलिंग के 4 हिस्से हैं, 4 तरह का बॉइलिंग होता है, ठीक है ना। देखो 4 तरह का कौन सा बॉइलिंग है, पहला बॉइलिंग को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएट बॉइलिंग, सॉरी नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, दूसरे टाइप के बॉइलिंग को बोलते हैं नेचुरल न्यूक्लिएट बॉइलिंग, पहले टाइप को बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग,
दूसरे को बोलते हैं न्यूक्लिएट बॉइलिंग, तीसरे को बोलते हैं ट्रांजिशन बॉइलिंग, और चौथे पार्ट को बोलते हैं फिल्म बॉइलिंग। तो जो पूरा आपका बॉइलिंग कर्व है उसको आप कितने भागों में बांट सकते हो? चार। सबसे पहला नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, ठीक है। दूसरा न्यूक्लिएट बॉइलिंग, तीसरा ट्रांजिशन बॉइलिंग, चौथा फिल्म बॉइलिंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझो नेचुरल बॉइलिंग क्या है। नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, ठीक है। देखो अगर आपका एक्सेस टेम्परेचर डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है तो ये रीजन एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है, कभी आप देखो आप आग के ऊपर बर्तन को रखो, जब पानी गर्म करने के लिए रखते हो तो बिगिनिंग में आपको कोई बबल्स नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर आपका सरफेस का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम है, मतलब सरफेस टेम्परेचर जो है आपका, जो सरफेस टेम्परेचर है वो 105 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है, अगर आप 1 एटीएम की बात कर रहे हो, तो क्या होगा, पूरे बल्क में आपको कोई वेपर बबल नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग जोन का ये कंडीशन है, देर विल नॉट बी एनी बबल फॉर्मेशन। सो इन दिस रीजन देर इज नो वेपर बबल या बबल फॉर्मेशन। No vapor bubble formation in this room, ठीक है ना। First vapor bubble will appear only at point A, that is in the beginning of nucleate boiling, ठीक है ना। ये तो ध्यान से देखना, पहला हिस्सा ये है। देखो जैसे जैसे आप temperature difference बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे देखो ये curve बढ़ रहा है ना, लेकिन इसमें कोई bubble formation आपको नहीं दिखेगा। First bubble आपको कहां पे दिखेगा? Point A पर, which is beginning of nucleate boiling। First vapor bubble will appear at point A, which is beginning of न्यूक्लिएट बॉइलिंग। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ। सो बल्क मोशन इज ओनली, बट होगा क्या, नीचे वाला पानी जब आप हीट करोगे तो नीचे वाला जो फ्लूइड है ना वो हॉट होगा, नीचे वाला फ्लूइड हॉट होगा, ऊपर वाला कोल्ड होगा, तो ऊपर भारी है नीचे हल्का है, तो ये फ्लो सेटअप हो जाएगा। नीचे से हल्का फ्लूइड ऊपर जाएगा, भारी नीचे आएगा, तो इसको बोलेंगे नेचुरल कन्वेक्शन करंट। ठीक है ना। सो हीट ट्रांसफर इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन करंट।
ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो सेकंड फेज क्या आता है, जब बबल बनना सरफेस पे चालू होता है तो उसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लिएट बॉइलिंग। और इनफैक्ट हम बॉइलिंग तब तक बोलते नहीं है जब तक हमको बबल्स ना दिखने लग जाए वाटर में। जब बबल्स दिखती हैं तभी हम बोलते हैं कि लिक्विड बॉयल होना चालू हो गया, ठीक है। हाँ, बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, ट्रू, बिल्कुल ठीक है ना। अब न्यूक्लियेट बॉइलिंग को भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं, देखो बिगनिंग में ये पहला हिस्सा है, ये बी तक, और ये दूसरा हिस्सा है। दोनों में फर्क क्या है, ए टू बी आप देखोगे, देखोगे शुरुआत में ए टू बी क्या होने वाला है। देखो ए टू बी देखो ए टू बी आपका अलग अलग लोकेशन पे बबल्स बनेगा। जैसे मान लो आप ए टू बी रीजन में आए तो बबल्स बनना चालू हो जाएगा यहां पे, ठीक है ना। ये बबल्स यहां से डी अटैच होंगे, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, ये बबल्स यहां बने, ये डी अटैच होंगे, ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, लेकिन फ्री सरफेस तक नहीं पहुंचेंगे, और बीच में क्या होगा, ये बस्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे बनेगा, ये यहां से टूटेगा, ऊपर रेस करेगा, बीच में आके बस्ट कर जाएगा, ये यहां आके बस्ट कर जाएगा, 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 ठीक है ना। तो बबल्स अलग अलग लोकेशन पे बनेगा, ये राइज होगा और बस्ट कर जाएगा, लेकिन ये फ्री सरफेस तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। अब बबल्स, द मोशन ऑफ बबल इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, मान लो एक बबल बना, एक पॉइंट बहुत ध्यान से, ये बबल है, टेल मी इज दिस बबल इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, इज दिस बबल इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, यस और नो, इज दिस वेपर बबल इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, इज दिस बबल इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, नहीं, ठीक है ना, नहीं, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, हीट भी ज्यादा या कम होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, नहीं होता है। तो ध्यान से रहे, बबल्स आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब क्या होता है इसमें, अगर सराउंडिंग फ्लूइड टेम्परेचर इज मोर, मान लो ये सराउंडिंग की बबल के अंदर का टेम्परेचर है T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2, तो सराउंडिंग फ्लूइड का टेम्परेचर, अगर मैं इसको T और T सराउंडिंग मान लेता हूं, ये T सराउंडिंग फ्लूइड है, अगर सराउंडिंग फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा है T से, तो क्या होगा, बबल के अंदर हीट ट्रांसफर होगा ऐसे,
सराउंडिंग फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा है तो सराउंडिंग से बबल को हीट ट्रांसफर होगा, होगा यस, मतलब बबल को हीट ट्रांसफर होगा। जब बबल को हीट ट्रांसफर होगा तो क्या बबल क्या होगा, बबल का के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और जब बबल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो बबल क्या हो जाएगा, बबल विल बस्ट। ठीक है, अब मान लो सराउंडिंग टेम्परेचर कम है और बबल के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, ये बबल है, सराउंडिंग टेम्परेचर कम है और बबल के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या बबल से सराउंडिंग फ्लूइड को हीट ट्रांसफर होगा, क्या बबल से सराउंडिंग फ्लूइड को हीट ट्रांसफर होगा? बिल्कुल होगा, है ना। और जब ये हीट रिलीज करेगा तो इसके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा बबल विल कोलैप्स। बबल क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जब बबल कोलैप्स होगा या बस्ट होगा तो बबल के अंदर का जितना हीट कंटेंट है वो फ्लूइड में मिक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बबल बस्ट कर गया तो बबल के अंदर का जितना भी हीट है, ठीक है, वो फ्लूइड के साथ मिक्स हो गया, नहीं हो गया। बोलो, ठीक है, इज दैट क्लियर। क्लियर है ना यहां तक? तो क्या इससे ये समझ में तुम्हें आता है कि बस्टिंग और कोलैप्स ऑफ जो बबल्स हैं दैट इंक्रीजेस हीट ट्रांसफर रेट। तो जो बबल्स हैं, बबल्स का बस्ट या कोलैप्स होना दैट इंक्रीजेस द हीट ट्रांसफर रेट। तो क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर मैं नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग और न्यूक्लियेट बॉइलिंग को कंपेयर करूं, ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग और न्यूक्लियेट बॉइलिंग को कंपेयर करूं तो न्यूक्लियेट बॉइलिंग में हीट फ्लक्स ज्यादा होगा। क्यों हीट फ्लक्स ज्यादा होगा, हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा? क्योंकि बबल्स बन के वो बल्क में क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। बबल बन के जब बल्क में मिक्स हो जा रहा है तो उससे क्या क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जा रहा है। क्योंकि पहले तो नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से ही हीट ट्रांसफर हो रहा था, अभी किसकी वजह से हो रहा है, अभी बबल्स जो यहां से बन के डी अटैच होकर ऊपर जाके फिर बस्ट या कोलैप्स कर रहे हैं उनकी वजह से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए न्यूक्लियेट बॉइलिंग में जो हीट ट्रांसफर है वो और भी ज्यादा होता है कंपेयर टू आपका नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग। तो ये समझ में आ गया कि नेचुरल कन्वेक्शन से न्यूक्लियेट बॉइलिंग में जब हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। क्लियर है? इज
इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? सत्यजीत, धीरज, हाँ, मोर एंड मोर बबल फॉर्मेशन विल इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है ना? क्लियर है? बिल्कुल ठीक, एक लिमिट तक। तो इसका भी आगे लिमिट है, ए टू बी हो गया। अच्छा, बी टू सी में क्या फर्क है? ठीक है ना, बी टू सी में क्या फर्क है? बी टू सी में बबल फॉर्मेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। देखो, ये बबल फॉर्मेशन है, अलग अलग साइड्स पे बबल फॉर्मेशन हो रहा था। ये बबल्स टूटते हैं और ऊपर जाते हैं। पहली बात, ए टू बी बबल फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच रहा था, बबल जो था फ्री सरफेस तक नहीं पहुंचता है। और बी टू सी क्या हो रहा है, बबल फॉर्मेशन का रेट बढ़ रहा है, प्लस जो बबल्स हैं वो फ्री सरफेस तक जा रहे हैं। तो इतनी तेजी से यहां से बबल बनेगा, एक बबल बना, यहां से डी अटैच हो गया, ऊपर गया, ये और ऊपर गया ऐसे। तो कंटिन्यूअसली आप देखोगे, आपको बबल्स के कॉलम दिखेंगे, ऐसे ऐसे बबल्स के कॉलम दिखेंगे, बबल्स फ्री सरफेस तक पहुंच रहे हैं, बबल्स के कॉलम दिखेंगे कंटिन्यूअसली। क्लियर है? ठीक है, तो बबल्स का कंटिन्यूअसली आपको कॉलम दिखेगा, ठीक है, फ्री सरफेस तक जाएंगे। तो देखो, जब बबल, एक तो बबल फ्री सरफेस तक जा रहा है और दूसरा रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन भी बढ़ रहा है, तो तुम देखोगे, देखो यहां से जो स्लोप है, यहां से जो कर्व का स्लोप है और बढ़ गया, देखो शार्पली और बढ़ गया, देखो। ठीक है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बबल फॉर्मेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक लिमिट यहां तक जाता है, आती है कि जो ये पूरा सरफेस है ना तुम्हारा, एक लिमिट यहां तक आती है, ये जो पूरा सरफेस है ना, ये पूरा वेपर बबल से कवर हो जाता है, बबल फॉर्मेशन का रेट इतनी ज्यादा बढ़ जाता है कि दिस कंप्लीट लेयर इज कवर्ड बाई वेपर बबल्स। ठीक है, ये लेयर, लेकिन ये लेयर स्टेबल नहीं होती, ये लेयर शुरुआत में स्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो देखो शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा बबल बने, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ा, लेकिन एक समय के बाद आके ऐसा हो जाता है कि यहां पे एक आपका लेयर ही वेपर का बन जाता है, वेपर बबल्स का लेयर बन जाता है। शुरुआत में ये लेयर अनस्टेबल होता है, बाद में स्टेबल होता है। अब मुझे बताओ, यहां पे वेपर बबल आ गया तो क्या ये हीट ट्रांसफर जो है ये सरफेस सीधा इस फ्लूइड को कर पाएगा? नहीं, क्योंकि बीच में तो वेपर बबल का एक लेयर है, ठीक है, और वेपर का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है बहुत कम, ठीक है ना, तो इस लेयर के बन जाने की वजह से, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? लेस हीट ट्रांसफर, यही आपको यहां पे दिख रहा है। देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर है न्यूक्लियेट बॉइलिंग के एंड में, जहां तक फिल्म नहीं बन रहा है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हीट फ्लक्स या क्रिटिकल फ्लक्स, क्रिटिकल हीट फ्लक्स और मैक्सिमम हीट फ्लक्स, जो आप बोलना चाहो बोल लो।
क्रिटिकल हीट फ्लक्स और मैक्सिमम हीट फ्लक्स इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब देखो यहां से यहां के बीच में क्या फर्क है, यहां से यहां के बीच में फिल्म बन रहा है, उसी की वजह से इसको फिल्म बॉइलिंग बोलते हैं। देखो जो लास्ट रिज्म है ना, इसको फिल्म बॉइलिंग इसलिए बोलते हैं, इसको इसलिए फिल्म बॉइलिंग बोला जाता है क्योंकि यहां आके देखो, यहां आके जो मैं ये फिल्म बता रहा था ना, ये जो फिल्म बता रहा था मैं कि बबल्स का एक फिल्म बन जाता है, वेपर बबल्स का, वो बबल का फिल्म स्टेबल हो जाता है। दिस वेपर फिल्म ऑफ वेपर बबल, फिल्म ऑफ वेपर बबल्स इज स्टेबल, बबल इज स्टेबल, कहां पे स्टेबल, इन फिल्म बॉइलिंग, एक स्टेबल लेयर हो जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन ट्रांजिशन रीजन में कभी ये लेयर टूटता है, कभी बनता है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हो इसका स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है, ठीक है ना। यहां फ्रीक्वेंटली लेयर ब्रेक हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये लेयर स्टेबल होता जाएगा, ठीक है, ये लेयर स्टेबल होता जाएगा आपका, है ना। और इसके बाद आपको इस पॉइंट के बाद डेडिकेटली लेयर मिलेगा, ठीक है। तो जहां पे आके लेयर स्टेबल हो गया, तो देखो आप यहां मैक्सिमम हीट फ्लक्स पहुंचने के बाद ये जो हीट फ्लक्स है गिर रहा है, क्योंकि बीच में क्या होगा, फिल्म बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, फिल्म स्टेबल होता जा रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस के पास आके ये फिल्म स्टेबल हो जाता है, और यहां पे आपका हीट ट्रांसफर मिनिमम आता है। इसको बोलते हैं लीडन फ्रोस्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं, लीडन फ्रोस्ट पॉइंट, साइंटिस्ट के नाम पे है, मिनिमम हीट फ्लक्स, लीडन फ्रोस्ट पॉइंट। ठीक है, क्यू मिनिमम, ठीक है। अब बोलोगे सर फिल्म बन गया, अब उसके बाद क्यों बढ़ रहा है, इसके बाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसके बाद आपका हीट फ्लक्स बाई रेडिएशन डोमिनेट करेगा। तो फिल्म बॉइलिंग में, जब आप फिल्म बॉइलिंग रिजम में पहुंच जाते हो, ठीक है, इस रिजम ये स्टेबल हो गया, सरफेस से इस बल्क को जो हीट ट्रांसफर है दैट विल बी बिकॉज ऑफ रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, एंड व्हेन देयर विल बी हीट ट्रांसफर बाई थर्मल रेडिएशन, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका हीट ट्रांसफर रेट भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपका हीट फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। देखो ऐसे ठीक है। सो जब जहां भी हम बॉइलिंग कराना होता है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग रिजम इज बेस्ट फॉर अस, न्यूक्लिएट बॉइलिंग रिजम इज बेस्ट फॉर अस, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड करना, इस पीडीएफ के आखिरी में रीडिंग है, देखो ये सब लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 3 PM से क्लास है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है ना। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक सेशन अभी बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन पे और रहेंगे, जिसमें और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे रिगार्डिंग दी बॉइलिंग। तो आप इतना कर लोगे तो इतने से आपका NPCIL का भी काम चल जाएगा और बार का भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ
तो ये वो मांगा।